हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड टिप्स विद शिशप्रिया। दिस इज मी योर शिशप्रिया एंड वेलकम बैक टू एन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो 25 दिसंबर को मैं बैंडल चार्ज और चंद्रनगर न्यू दीघा में गई थी घूमने के लिए। तब मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं थी, इसलिए मैं वो वीडियो शूट अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं यूट्यूब में अपना ब्लॉग, डेली लाइफ, मेकअप वीडियोज, सॉन्ग वीडियोज अपलोड करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मेरा घूमने की वीडियो आप लोगों के पास शेयर करूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर दी है। तो आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नीचे छोटू सा बेल आइकन है वो दबा दीजिएगा। तो देखते रहिए। उसके बाद हम लोगों ने बैंडल चार्ज को छोड़ के न्यू दीघा में गई थी, चंद्रनगर न्यू दीघा पार्क में। बहुत 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 मज़ा आया उस दिन, क्योंकि 25 दिसंबर है, सभी लोग घूमने जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो मेरी साथ है मेरी सिस्टर रिया, तो बहुत मज़ा किया। उसके बाद हम लोग हेलो न्यू दीघा तो उसके बाद हम लोग बैठने के लिए इधर उधर देख रहे थे, पर कोई भी सीट खाली नहीं थी। 25 दिसंबर है या फिर 1 जनवरी है या फिर कोई स्पेशल लोकेशन है, तो पार्क बहुत ज़्यादा भर भर के लोग आते हैं पार्क में, तो यहाँ पर भी कोई जगह खाली नहीं थी। यो न्यू दीघा, দারুণ মজা করছি আমরা। ফাইনালি অনেক অনেক জায়গা আবার শেষ হচ্ছে না ঘুরে ঘুরে, অনেকটা দূর ভাই। এটা নিউ দীঘা, দারুন দারুন জায়গাটা, বেশ ভালো। आप लोग देख सकते हो मैं और मेरी सिस्टर कितनी ज्यादा खुश है। उस दिन 25 दिसंबर थी, बहुत 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 बढ़िया था वो उस दिन। तो आप लोग अगर जानने के लिए बता सकते हो कि आप लोग कहाँ पर घूमने के लिए, तो मैं बता देती हूँ एक बार फिर से, चंद्रनगर न्यू दीघा है ये। आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं एड्रेस दे दूँगी नीचे। आप लोग अभी सोच सकते हो मैं बंगाली में बात कर रही हूँ तो ब्लॉग में क्यों हिंदी में बात कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ मैं ब्लॉग के लिए हिंदी में बात कर रही हूँ। या फिर आप सोच सकते हो ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ ये बंगाली लैंग्वेज है, कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ बने रहने के लिए। तो देखते रहिए।